ट्वीट किया है, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, ये ट्वीट किया है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कहा गया है ट्विटर पर, ट्वीट किया है यहां पर और तंज कसा है, कहा ये जरा है कि अखिलेश यादव को लेकर ये तंज कसा गया है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अजीत यहां पर देखिए एक के बाद एक बातें निकलकर सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये तंज कसा है अखिलेश यादव पर, तो स्थिति बहुत ज्यादा हद तक अब साफ होती दिखाई दे रही है अजीत। देखिए अनु, जो लाइनें आप पढ़ रहे थे ये लाइनें जो उन्होंने ट्वीट की अब्दुल्ला आजम ने, उसने सब कुछ बयां कर दिया है। जो उन्होंने बात कही, जो ख्वाब था मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जवान मिली भी तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। तो ये लाइनें अपने आप में ये बताती हैं कि अखिलेश यादव पर तंज है कि हम पार्टी में तो थे आपसे, लेकिन जो जुबान हमारी थी वो कटी हुई थी, जो ख्वाब हमारे जहन में था उसको न मैं कह सका न मैं लिख सका। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने कहा, जो लाइनें आपने पढ़ी उसमें उन्होंने अंतिम लाइनें लिखी कि एक आंसू तो हमें बहा सकता है लेकिन तूफान हमें हिला नहीं सकता, तू मेरा साथ छोड़ रहा इसमें तेरी खता क्या। तो निश्चित तौर पर ये लाइनें अपने आप में ये बता रही हैं कि अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा है ट्विटर के बहाने। आज ईद का दिन है, वो अपने पिता से अलग है, इस बात का अजीत कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी से जरा बात कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। आप लोग हमेशा कहते हैं कि उनके बेटे ने कुछ नहीं कहा, आजम खान ने कुछ नहीं कहा, ये सब फर्जी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन इस ट्वीट ने तो बहुत कुछ साफ कर दिया है। नहीं, ट्वीट में क्या कह दिया उन्होंने, क्या ऐसा कह दिया कि जो बहुत साफ हो गया। और अगर किसी अल्फाज को शेर और शायरी में कोई व्यक्त किया जाता है तो ये मुझे बताइए कि उसका निर्वचन तो विभिन्न किस्म से और विभिन्न तरीकों से हो सकता है। अगर उनकी कोई व्यथा होती तो वो डायरेक्ट कहते, कोई घर की बात घर के अंदर कहते। उन्होंने जो भी तंज कहा है वो तो वर्तमान सरकार का, क्योंकि सरकार तो सभी की होती है। जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उस पर भी उनका कुनबा बह नहीं, वो तो यही कह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी आप ये कह रहे हैं तो कि यही सरकार कह रहे पतंज ना, है कि उनको एक आंसू तो हिला सकता है। उन्होंने अंत के दूसरे वाले तो उसमें देखिए क्या लिखा है कि उनको एक आंसू तो हिला सकता है लेकिन तूफान बहा नहीं सकता। अब इससे ज्यादा तूफान क्या होगा कि पिता पे 70 मुकदमे जैसे एक जालिम सरकार ने उनके ऊपर लगाए हैं, वो क्या अपराधी थे। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। देखिए ये सब बातें देखिए कपिल श्रीवास्तव जी आप भी समझ रहे हैं, राजनीति है, संदेश और संकेतों पर चलती है। कब तक आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। उनके समर्थक बोलते हैं, मीडिया प्रभारी बोलते हैं, अब्दुल्ला दरी बिछाएगा, वोट देगा और अब्दुल्ला जेल भी जाएगा। किसने कहा था ये संकेतों की राजनीति तो कतई हाँ, पहली चीज। और ये चीज उनके अपना दर्द है जो सरकार के द्वारा जाहिरा तौर पे दिया गया है। एक व्यक्ति जो है वो एक इबादत का खाक बनाता है विद्या के लिए, विद्या मंदिर बनाता है और उसपे योगी जी की सरकार बकरी चोरी, भैंस चोरी, फर्नीचर चोरी, किताब चोरी, इस तरह की चीजें लगाता है। तो आप मुझे बताइए कि वो दुख दर्द जो उन्होंने बयां किया है वो और किस पर है। अब्दुल्ला आजम यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार पर वार नहीं कर रहे, वो शेरो शायरी से इशारों में वार करेंगे। अगर करना है तो साफ साफ करेंगे ना। अजीत मैं गलत कह रहा हूँ क्या, ये क्या है यहाँ पर? समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि नहीं ये तो सरकार पर तंज है साहब, हम पर कुछ नहीं है। लेकिन देखिए बिल्कुल साफ है अनुज, समाजवादी पार्टी कभी भी जब तक अब्दुल्ला आजम या आजम खां ऑफिशियली तौर पर समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज का जो ट्वीट है, उन्होंने जो ट्वीट लिख दिया है, जो ख्वाब था मेरे जहन में वो मैं न कह सका न लिख सका, जो पहला ट्वीट है, उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि जो जुबान मिली वो कटी हुई और जो कलम मिली वो बिकी हुई, यानी समाजवादी पार्टी में अब्दुल्ला आजम या आजम खान को बोलने और लिखने की आजादी नहीं दी गई। और तू मेरा साथ छोड़ रहा, तो जो लाइनें लिख दी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लाइनें लिख दी, इसके आगे अब कुछ कहने को नहीं बनता कि तू छोड़ रहा है तो इसमें तेरी खता क्या।
हर कोई शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता, एक आंसू मुझे बहा के ले जाए लेकिन कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। ये लाइनें अपने आप समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा आईना है। समाजवादी पार्टी को इस पर सोचना चाहिए कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम जैसे लोग उनको लेकर क्यों तंज कस रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि जो जुबान मिली वो कटी हुई मिली, जो कलम मिली वो बिकी हुई मिली, जो ख्वाब था हमारे जहन में ना हम कह सके ना लिख सके। ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं। ठीक है अजीत, रहिए कपीस जी। देखिए यहाँ पर इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर देती है समाजवादी पार्टी? अरे बुलाइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बुलाइए और बता दीजिए कि नहीं हम आजम खान के साथ हैं, जा रहे जेल में मिलने अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आए ना, खुल के बोले ना। बार बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, बार बार इस पर चर्चा होती है, जड़ से खत्म करिए एक बार। देखिए जहां तक प्रेस का सवाल है तो हम लोगों ने चुनाव के पहले भी लगातार प्रेस, और आपको याद होगा कि अब्दुल्ला आजम खान साहब पकड़ में बैठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये ना कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है और साथ में नहीं हुई है। मुद्दा ये नहीं है, वो तो हमारे पार्टी के विधायक हैं, माननीय हैं। आजम खान साहब हमारे फाउंडर मेंबर हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हमारे लिए माननीय हैं। ये एक परिवार का मसला, लेकिन जो ये तंज है ये सरकार पर, ये शुद्ध रूप से योगी के जो आताताई पूर्वक सरकार रही है, जिसने इतने जख्म दिए हैं, ये उसकी बेबसी है। और शायद निश्चित तौर पे उन्होंने इस बात को लिखा है कि उनकी कलम इसी वजह से, क्योंकि भी 70 मुकदमे 80 मुकदमे इतने लगातार जेल, कितना कोई किसी के खिलाफ बोलेगा और कितना पिछली भाई। अगर सरकार न्यायप्रिय होती तो क्या बकरी चोरी भैंस चोरी उस आदमी पे लगाती जो 10 बार विधायक रहे हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने तालीम के लिए जो है इबादतगाह बनाई? तो यही तो बात है, यही तो आजम खान के समर्थक कह रहे हैं कि जो बात आज आप लोग उठा रहे हैं ये बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आप पहले से उठाते ना। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के पहले हुई थी, नाराजगी चुनाव के बाद सामने आ रही है, बातें निकल कर सामने आ रही है चुनाव के बाद, चुनाव हो गया उसके बाद देखने को मिल रहा है ना सर। मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना पार्टी मानने के लिए तैयार है कि वो लोग हमसे खफा। कोई आदमी अपने परिवार से कैसे खफा हो जाएगा? कोई आदमी जिस पार्टी को अपना ही स्वयं अपने हाथों से बनाया उसे कैसे खफा हो जाएगा? अजीत देखिए ये सब फर्जी अफवाहें फैल रही हैं, जैसा कपीस श्रीवास्तव कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपने परिवार से कैसे नाराज हो जाएगा भाई, गलत बात करते हैं आप लोग। देखिए अनुज, देखिए दो बातें साफ है, समाजवादी पार्टी से जुड़े या आजम खान से जुड़े कई सारे लोगों ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। जब मुसलमान का मामला आता, आजम खान का मामला आता तो समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती। आपको याद होगा जब शिवपाल सिंह यादव जेल में मिलने गए थे और जेल से बाहर निकले तो जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात करते समय उन्होंने कहा था हम आजम खान के साथ हैं, आजम भाई हमारे साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। मुलायम सिंह यादव नेताजी चाहते तो प्रधानमंत्री से जाकर बात करते, लोकसभा और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, और इसके पहले भी आज सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के कई नेता मिलने गए थे तो आजम खान ने मिलने से मना कर दिया था। रविदास मेहरोत्रा गए तो भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर रही है और इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आजम खान बहुत बड़ा चेहरा और समाजवादी पार्टी अंतिम दम तक यही चाहेगी कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम उनके साथ बने रहें। लेकिन अब्दुल्ला आजम के जो समर्थक है, आजम खान के जो समर्थक, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के रवैये से नाराज है क्योंकि 72 मुकदमे थे, लगभग 71 मुकदमे में उनको बेल मिल गई है, 1 मुकदमे की बहस हुई है, उस पर भी अब निर्णय आना है। तो अब चूंकि अंतिम समय है, कहा जाता है जब चली चला का बेला होता तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए, इसको लेकर नाराज है आजम खान। कपीस श्रीवास्तव ये सुना अजीत क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप बता दीजिए आधिकारिक बयान पार्टी का क्या है? अखिलेश यादव कब जाएंगे आजम खान से मिलने, कब चीजें क्लियर होंगी, साफ होंगी, एक मंच पर दिखाई दे जाए ना दोनों लोग, बात खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत स्पष्ट आपको बातें कही और अभी आपके जो रिपोर्टर हैं वो जो बात कह रहे थे वो भी तो वही बात कह रहे थे जो हम कह रहे हैं। वो हमारे पार्टी के मेंबर है, वो हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर है, वो हमारे पार्टी के विधायक, और दूसरे लोग जो हिमायती बन रहे हैं आज, वो उस समय कहाँ थे जब 72 मुकदमे लग रहे? वो उस समय कहाँ थे? देखिए पार्टी को कमजोर करने की साजिश है और ये भारतीय जनता पार्टी रच रही है। अब उसके एजेंडे पे अगर कोई दूसरा चल रहा है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी दोषी है। प्रमोद कृष्णम को भी भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था क्या जेल में? ये भी बीजेपी की साजिश है क्या? प्रमोद कृष्णन और प्रतापगढ़ी, ये सारे लोग पहले ही चोर आजमाइश कर चुके हैं।
कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने विधायकी किसके लिए, वो किसके साथ खड़े हुए, वो किसके लिए खड़े हुए। प्रमोद कृष्णम साथ में जुड़ गए हैं, वो सुन रहे हैं आपकी बातें। प्रमोद कृष्णम जी बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद कृष्णम जी, यहाँ पर अब्दुल्ला आजम जिन्होंने एक ट्वीट किया है और इशारों में बहुत सारी बातें कह दी है शायराना अंदाज में, आपकी प्रतिक्रिया सर, आप भी मिलने के लिए गए थे? देखिए, मैं उनसे मिलने गया था, मेरे उनसे मुलाकात करने के बाद जो भी मीडिया में खबरें आई हैं और जो भी बातें मैंने जेल से बाहर आकर के बताई हैं, उसमें मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसमें कोई भी ना तो पॉलिटिकल मसला है, ना कोई झूठ सच का मसला है, वो हकीकत बयां की है मैंने। और जहाँ तक सवाल है आजम खान साहब पे जुल्म और ज्यादतियों का, तो वो तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि उन पर ज्यादतियाँ हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, इस पर जब आजम खान साहब बाहर आएंगे तो खुद बताएंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी है समाजवादी पार्टी में बिखराव करने की, उसको तोड़ने की? कपीर जी तो यही कह रहे हैं कि साजिश रच रहे हैं सब लोग मिलकर। क्या आजम खान साहब के बारे में कोई ये सोच सकता है कि वो किसी के कहने से, समझाने से या सिखाने से कुछ कह सकते हैं? भाई, समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, मैंने कब कहा कि वो नेता थे? वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को उन्होंने मना किया। तो ये क्या मैंने मना करा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये नहीं मान रही ना। कपीर श्रीवास्तव कह रहे हैं वो लोग जो लोग मिलने जा रहे हैं, जिसमें आप भी गए थे मिलने, वो लोग तब कहा थे जब 80 मुकदमे लगा दिए गए थे आजम खान पर, आज ही क्यों मिलने जा रहे हैं? नहीं, जब 80 मुकदमे लगाए तो उस समय हम क्यों होते उनके साथ? वो तो आपको होना था उनके साथ, पार्टी के वो आपके नेता थे, आपको प्रदर्शन करना था, आपको धरना देना था, आपको तूफान मचाना था। भाई, हम तो जब कोई नहीं, जब उनके साथ खड़ा रहा, तब ऐसा लगने लगा कि वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो इंसानियत के नाते हम उनसे मिल के आए। हमने कब कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? कब कहा कि हमने उन्हें प्रपोजल दिया? हाँ, नहीं, ठीक बात है, आपने नहीं कहा ऐसा। कपीर श्रीवास्तव जी, आज अकेले हो गए आजम खान साहब, प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं, तब वो गए ना इंसानियत के नाते। आचार्य साहब ने जो अपनी बातें थी उन्होंने कही कि कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, वो व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र होंगे, मिलने गए। मैंने आचार्य साहब पे कुछ बात भी कही नहीं, मैंने तो आपको वो बताया कि जब प्रतापगढ़ी साहब ने जाकर के रामपुर के अंदर कोशिश की थी, वो तो सारी मीडिया के सामने उनके बयान भी आए थे। लेकिन माननीय विधायक वो हमारे हैं, और कृष्णन साहब भी ठीक बात कह रहे हैं कि वो आज भी हमारे हैं, वो कल भी हमारे थे जब 80 लग रहे थे मुकदमे, और हम संघर्ष कर रहे थे, पार्टी संघर्ष कर रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रामपुर के रोडों पर बैठ करके आंदोलन किया, और उनकी पत्नी से लेकर के उनके पुत्र तक को बंद किया गया। तो सबकी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी ने ही लड़ी। अब कोई ये तो नहीं कह सकता, मान लीजिए पी चिदम्बरम साहब थे, कितने आंदोलन हुए, कितने किए आंदोलन, लेकिन हमने कभी उसका एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं। ठीक है, ठीक है। अनिला जी जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। कपीर श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के नेता है जिनको आप सुन रहे थे, और प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अनिला जी, यहाँ पर अब्दुल्ला आजम ने एक ट्वीट किया है और शायरी में अपनी बात कह दी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है और साथ नहीं दिया, तमाम तरह की बातें कही है, तो इसको कैसे देखा जाए? मेरी सबको राम राम, और एक ही नजरिए से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में सर फुटोवल हो रही है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, वहां पर भी यही हाल है, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, वहां पर भी यही हाल है। तो वैसे तो इनका ये आंतरिक मामला है, पर आज जो अब्दुल्ला आजम है गा रहे हैं दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तो शेरो शायरी भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, पर क्या इन सब चीजों से करके कुछ उनको हासिल होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो एक ही चीज समझ में आती है कि अखिलेश यादव जी शायद आजम खान साहब को अब उतना वेटेज नहीं दे रहे हैं जितना इनके पिताजी ने दी थी। पर वो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनको तय करना है कि किस नेता को आगे ले जाना है, किस नेता को पीछे छोड़ देना है। कपीर श्रीवास्तव जी, जवाब देंगे क्या? अकेला छोड़ दिया आपने आजम खान को, देखिए हर कोई यही बात कर रहा है, और बीजेपी को भी मौका मिल गया है। तो है कि गुरुवाणी वो देने आ रहा है जिसने अत्याचार किया, शिफत इस बात की है कि जो अत्याचारी है उसी से व्यू पूछा जा रहा है,
गजब का ये प्रदेश और गजब का ये देश बन चुका है। व्यक्ति को अपने घर में झांकना चाहिए। 36 के आंकड़े पे अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, किसी से सर पटुवल रह गया क्या दूरी? और आज जो बुलडोजर नीति इनकी रही है उसके वजह से मोदी जी की इज्जत दांव पे अंतर्राष्ट्रीय उसमें लग रही है कि नहीं? यही ना कपिल जी, आपको बीजेपी का सर पटुवल दिख रहा है, शिवपाल जी आपको आपसे नाराज है, आजम खान की खबरें आ रही है, अब्दुल्ला आजम शायरो शायरी कर रहे हैं और उस पर संकेत दे रहे हैं, अपर्णा जी छोड़कर जा चुकी हैं, एक बार अपना घर भी देख लीजिए सर। कातिल ही आएगा क्या निर्णय देने के लिए? कातिल ही मुंसफ नहीं बन सकता। और मैं तो साफ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पर। अरे आप रोक नहीं पा रहे अपने लोगों को, कमजोर हो क्यों रहे हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वो आज भी अपने हैं, कल भी अपने थे और परसों भी अपने रहेंगे। ठीक है, ठीक है, कब्जियत वक्त बाबेला है, ठीक है, शादी मियाँ दुबले है शहर के अंदेशे से, पार्टी हमारी हम जान रहे हैं, हम लोग एकजुट एक साथ है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।